खाद्य तेलों में अधिक तेजी के आसार फिलहाल कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कम मूल्यों पर आयातित पाम तेल की सप्लाई भारतीय बाजारों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पिछले 2 से 3 दिनों से सोयाबीन की तेजी को ब्रेक लगने के साथ ही दाम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आगामी महीने से रबी सीजन, सरसों, मूंगफली की आवक खाद्य तेल सप्लाई को बढ़ा सकती है, जिससे छोटे व्यापारी आवश्यकता के अनुसार फिलहाल खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि प्लांट सोयाबीन खरीदी के दाम घटाकर बोले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंदौर में सोयाबीन तेल 1275 से 1280 रुपये प्रति 10 किलो के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर सोया प्रोसेसर्स के अनुसार सोया तेल इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इससे सोयाबीन क्रश को धक्का लग रहा है और सरकार ने सोया तेल इंपोर्ट का कोटा 20 लाख टन फिक्स किया हुआ है, मगर कोटे से ज्यादा इंपोर्ट पर 5 से 6 रुपये किलो की ड्यूटी से इंपोर्ट कम नहीं हो रहा। सरकार को कोटे से ज्यादा इंपोर्ट पर WTO की जायज लिमिट 45% ड्यूटी लगानी चाहिए, तभी इंपोर्ट पर काबू रहेगा। वहीं आपको बता दें कि मंडियों में सोयाबीन की आवक फिलहाल कम होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।